मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर में रह के अपने मिलिया को खुद रिमूव कर सकते हैं। वो लोगों के लिए ट्रीटमेंट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो मेरे पास आके खर्चा नहीं कर सकते। तो घर में किस तरीके से आप खुद या अपने भाई बहन या बड़े पापा मम्मी से किसी से भी उनको ये मैं वीडियो दिखा के उनसे रिमूव करवा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सलाह तो आपको यही दूंगा कि आप किसी डॉक्टर से ही रिमूव कराएं या कहीं भी अपने हाथों से ना करें। बट बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे दमदार लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता है और वो बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं। वो अपने आप को काट भी लेते हैं, मतलब उनको लगता है सुई तो बता, मैं खुद ही लगा लूंगा ऐसे करके। मतलब इतने दमदार लोग भी होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए है कि अगर उनको मिलिया हो रहे हैं तो वो अपने घर में खुद भी रिमूव कर सकते हैं। सलाह मैं नहीं दूंगा रिमूव करने की, बट मैं सिखा रहा हूं। मैं ये ट्रेनिंग वीडियो है, मैं डॉक्टर्स जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको रिमूव करना नहीं आता है मिलिया, आप मैं आज आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। और अगर उनमें से अगर आप में कोई क्लाइंट भी ऐसा है कि जो बहुत ही दमदार है तो अपने घर में खुद भी रिमूव कर सको तो कर लेना, आपकी मर्जी है, मैं सलाह नहीं दूंगा। मगर मैं यही कहूंगा कि मेरे पास आइए मेरे क्लिनिक पे और मेरे पास आके कुछ खर्चा करो, पैसे दो मेरे को, मैं रिमूव कर दूंगा। मगर कोई कंजूस लोग अगर हो बीच में या बहुत दमदार लोग हैं तो प्लीज़ अपने घर में आप चाहो तो अपने रिस्क पे खुद का कर सकते हैं। खैर ये मजाक था, मैं इसको आपको बता दूं कि मिलिया होता क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिया एक वाइट पर्ली शेप के पर्ली जो मोती टाइप के होते हैं ना, पर्ली शेप के बम्स होते हैं जो स्किन के लेयर में आ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के फेस पे देखा होगा व्हाइट पर्ली शेप के बहुत सारे बम्स होते हैं, 8-10 बम्स होते हैं। वो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट से बहुत अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, बट नॉर्मली वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। बट कॉस्मेटिकली उसके थोड़ा इश्यूज होते हैं लोगों को, उनको पसंद नहीं आता कि उनके फेस में इस टाइप के बम्स छोटे छोटे हों। तो मिलिया होता कैसे है? हमारी स्किन की लेयर में क्रिएटिन लेयर जो होती है वो कई बार स्किन पोर्स में जो पोर्स हैं वहाँ पे क्लॉग हो जाता है, फंस जाता है, दैट कॉज मिलिया। तो जो क्रिएटिन लेयर है, जो स्किन की लेयर है, क्रिएटिन डेड टिश्यूज है, वो जब स्किन के छेद में जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें जब जाके वो फंस जाते हैं, तो वो जब फंस जाएगा तो वहाँ पे वो मिलिया कॉज करता है। दैट्स अ कॉज, मेन कॉजिंग फैक्टर ऑफ मिलिया। तो मिलिया कितने टाइप के होते हैं? मिलिया बहुत सारे टाइप के होते हैं। न्यूनेटल मिलिया होते हैं छोटे बच्चों के, न्यूनेट्स मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे होते हैं, छोटा बेबी, वो उनको जो मिलिया होते हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं कर सकते, न्यूनेटल मिलिया होते हैं। फिर एक होता है प्राइमरी मिलिया। प्राइमरी मिलिया जनरली कॉमन लोगों में देखा जाता है, जो एडल्ट्स में होता है, जो यंगस्टर में होता है, प्राइमरी मिलिया कहते हैं। तो प्राइमरी मिलिया जनरली अपने आप भी कई बार चला जाता है, बट बहुत टाइम लेता है जाने में। अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा और बताऊंगा। तो एक होता है प्राइमरी मिलिया, एक होता है ट्रॉमेटिक मिलिया। कोई भी ट्रॉमा हुआ उसके कारण जो मिलिया बनता है दैट्स अ ट्रॉमेटिक मिलिया। एक होता है मिलिया इन प्लाक, तो जो क्रम्प्ट होते हैं एक साथ बहुत सारे मिलिया क्रम्प्ट होते हैं, इट्स कॉल्ड मिलिया इन प्लाक। और मिलिया एसोसिएटेड विद मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन के कारण अगर कोई मिलिया आपको कॉज हो रहा है तो बहुत सी मेडिकेशन होती है जो मिलिया कॉज करती है, तो मिलिया हो सकता है आपको मेडिकेशन यूज करने से, खाने से या समथिंग होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बताऊँ तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है डी रूफिंग। स्किन में आप इस टाइप की छोटी इंसुलिन निडल लीजिए, 38 निडल। मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसके रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद जो वीडियो में रहेगा मैं पेशेंट पे करके दिखाऊंगा आपको। तो इसके थ्रू हम डी रूफिंग कर सकते हैं। हमारा देखो हमारा मेन एम क्या है आप समझो, मिलिया क्या है बेसिकली? क्रिएटिन जो लेयर है, क्रिएटिन लेयर है वो स्किन की पोर्स में फंस गया है, तो वहाँ पर एक रूफ बन जाती है, एक स्किन की लेयर है। तो आपको बहुत ही प्यार से उस लेयर को अपग्रेड करना, यू हैव टू अपग्रेड दैट थिंग। एंड एक्सट्रैक्टर होता है मिलिया कोमेडोन एक्सट्रैक्टर है, मिलिया एक्सट्रैक्टर, उससे आपको दबा के उसको निकाल लेते हैं। पर्ली शेप का एक बम्प निकलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निकलता है। तो बहुत ही प्यार से आपको डी रूफिंग रूफ जो है स्किन की रूफ है उसको आपको रिमूव करना है। यू हैव टू अपग्रेड दैट थिंग विद दिस निडल, ओके? ये आप पार्लर में भी करा सकते हैं। अगर ये कोई भी पार्लर वाले हैं जिनको नहीं आता है, आप देख रहे हैं, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सिर्फ डॉक्टर से ही कराएं, बट बहुत से डॉक्टर्स हैं इनको नहीं पता इसको रिमूव करने का तरीका। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ डॉक्टर्स के लिए है कि आप किस तरीके से उसको डी रूफ करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। और दूसरा RF कॉटरी के थ्रू, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी है या इलेक्ट्रो कॉटरी के थ्रू भी आप उस लेयर को डी रूफ कर सकते हो। वो बहुत छोटे छोटे मिलिया होते हैं, उनको हम RF कॉटरी से हम उसको डी रूफिंग करते हैं। और एक हो गया, एक होता है क्रायोथेरेपी, उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू उस पर पप ऐसे मारते हैं, वो उसको फ्रॉस्ट कर देता है, फ्रॉस्ट करके वो डी रूफिंग अगेन से हो जाती है। बट वो आई डोंट सजेस्ट दैट थिंग, बहुत इजी है निडल के थ्रू
रिमूव करना, डीरूफिंग करना या RF कॉटरी के थ्रू, अगर वो मीलिया बहुत ही छोटे छोटे बारीक हैं तो आप उसको मशीन से थ्रू रिमूव करिए, या CO2 लेज़र के थ्रू भी हम उसको डीरूफ करके उसको रिमूव कर सकते हैं। और मीनोसाइक्लिन मेडिसिन जो होती है, मीनोसाइक्लिन भी मेडिकेशन दिया गोली है जो हम उसको देते हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब इसकी बात मैं आपको बताऊँ कि प्रिवेंशन, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताई, होता क्यों है वो आपकी क्रिएटिन लेयर, जो स्किन में क्रिएटिन जो आपके स्किन सेल्स होते हैं वो जब फंस जाते हैं आपके स्किन पोर्स में फंस जाता है तो वो वहाँ पे जाके क्लॉग हो जाता है तो वहाँ पे मीलिया, वही सेम एक्ने कॉज होते हैं वैसे ही मीलिया कॉज होता है। बट एक्ने इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे, पी एक्ने बैक्टीरिया ग्रो करता है, पस पड़ता है, WBC फाइट करते हैं, मारते हैं धारते हैं और पस पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, इसका एक पर्ल शेप का वो बन जाता है। तो इसमें प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब करो, आप प्रॉपरली स्क्रबिंग करो। स्क्रबिंग से क्या होगा, आपकी डेड लेयर निकल जाएगी, वहाँ पे एक्युमुलेट नहीं होगी। दूसरा, क्लीनिंग अच्छे से करो, फेशियल क्लींजिंग अच्छे से करो, अच्छे से फेशियल क्लींजर यूज करके क्लीन करो ताकि पोर्स अच्छे रहें। आप स्टीम कर सकते हो, स्टीम लेंगे तो पोर्स ओपन हो जाएंगे तो वहाँ पे कोई गंदगी होगी वो रिमूव हो जाएगी, क्लॉग नहीं होंगे। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप स्टीम नहीं ले सकते हो, नहाते समय ना ऐसा पानी का, गर्म पानी का शॉवर है ना, फेस पे ले लो, ऐसे गर्म पानी शॉवर के थ्रू फेस पे ले लो, वहाँ से वैसोडाइलेशन होगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे, गंदगी सब निकल जाएगी, ठीक है। और ट्रेटिनोइन क्रीम्स होती हैं, ट्रेटिनोइन जो वाइटामिन ए रेटिनोइड क्रीम होती हैं, वो आप रिमूव कर यूज़ कर सकते हो, वो डिस्कोवेशन कराता है, आपकी डेड लेयर को रिमूव कर देता है। तो अगर वहाँ पर मीलिया हो रहा है तो आप उसको लगाएंगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF होता है 30 के अबव आप यूज़ करिए, सनस्क्रीन यूज़ करिए ताकि वो प्रिवेंट हो सके। तो ये छोटा सा टॉपिक था मीलिया के ऊपर, और मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है मीलिया के लिए ज़्यादा, तो सबसे अच्छा इजी तरीका है निडल के थ्रू करना। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाऊंगा, निडल के थ्रू एंड मशीन के थ्रू। तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आएगा मीलिया रिमूव करते हुए, तो वेट करूँ। ओके, तो अभी ये पेशेंट है और इनमें हमने यहाँ पे प्रीलॉक्स लगाया हुआ है, ये जो क्रीम है इट्स अ नमिंग क्रीम जो स्किन को नम कर देती है, सुन कर देती है, तो ताकि पेन बिल्कुल भी ना हो। बिकॉज मैं 2-3 डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज़ करूँगा आज, निडल से भी करूँगा और इनको मशीन से भी करूँगा। इसके बाद मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बीटाडीन से ताकि एरिया डिसइंफेक्ट हो जाए। अगर आप भी डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर है यहाँ पे या कुछ है तो आपको पता ही है क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। स्किन का सवाल है, हमें क्लीनिंग प्रॉपर करना है और ग्लव्स पहन के ही करें कोई भी प्रोसीजर करें स्किन के ऊपर, ताकि स्टरलाइजेशन मेंटेन करें। ओके, तो मैं यहाँ पे 30 केस की निडल यूज़ कर रहा हूँ, इंसुलिन निडल है ये, तो इसको जूम इन करना ताकि मीलिया देख सकें। ओके, तो ये आपको जो दिख रहा है ये मीलिया है, इसको मीलिया कहते हैं। ये बम्स हैं, टाइनी बम्स हैं, सिल्वर पर्ली शेप के बम्स होते हैं अंदर, जो क्रिएटिन लेयर जो होती है वो फंस जाते हैं, आप देखोगे तो ये मीलिया बन जाते हैं। मल्टीपल मीलिया है यहाँ पे इनको फेस पे दोनों साइड है, तो जो सुपरफिशियल बड़ी बड़ी मीलिया है मैं उसको ये वाला मिले देखो, तो अभी हमें करना क्या है कि हमें इसकी डी रूफिंग करनी है। डी रूफिंग मतलब ये जो ऊपरी सरफेस है इसको हम रिमूव कर देंगे। और इसके साथ साथ हमें लगेगा कोमेडोन एक्सट्रैक्टर। ओके, तो ये कोमेडोन एक्सट्रैक्टर है, इसको हम क्लीन करके इससे हम रिमूव करेंगे। ओके, तो मैं डी रूफिंग करने जा रहा हूँ। ये बड़ा बम्प है यहाँ पे, याद रखिएगा बिविल अप होना चाहिए, निडल की बिविल होती है ये अप हो। ओके, और फिर हम इसको स्ट्रेच करेंगे स्किन को, और बहुत ही सुपरफिशियली हम इसको कोशिश करें कि इसको जब बिविल अप करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, निडल को थोड़ा टिल्ट हो जाएगा 45 डिग्री पे, तो ये आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, डी रूफिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लीजिएगा और सरफेस को टच करके नाउ बैंड को ब्रेक करना है, और इसको दबा के आपको
निकालना है। ये आप देखेंगे तो ये आ गया है, आप देखो इस तरीके से हमें सबको उसको डीरूफ करना है। ये सुपरफिशियली इंजेक्ट करके और यहाँ से ये आप देखो बैंड, ये आपको स्किन के लिए इसको प्रॉपर दिखाना, ये चीज़ को आपको निडल रूफ पर डालना है, आप इसको टच करेंगे और फिर आपको यहाँ से ब्रेक करना है, यू हैव टू डी रूफ इट। नाउ अगेन इस पर डाला और बहुत ही सुपरफिशियल और यू हैव टू डी रूफ इट। अभी इसके बाद डी रूफ करने के बाद आप इसको दबाएंगे तो ये निकला, आप ये देखेंगे पर्ली शेप पर ये निकला, इसको जूम करके दिखाओ दिख रहा है, यहाँ पे इसमें ब्लैक में दिखाओ थोड़ा लाइट में, यहाँ पे दिखाओ इसको जूम आउट करो, ये इस पर दिखाओ ना, ये देखो इसमें पर्ली शेप पे ये दिख रहा है, ये है कोमिडोन, और कोमिडोन नहीं ये मीलिया, सॉरी सेम कोमिडोन भी होते हैं बट हमें कोमिडोन को डी रूफ नहीं करना पड़ता, ये हमने जो निकाला ये मीलिया है, ये वाइट पर्ली शेप का होता है। ये मैं एक दिखा रहा हूँ निडल वाला प्रोसीजर, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आरएफ कॉटरी से रिमूव करना, बहुत ही सुपरफिशियल हमें रिमूव करना है। तो ये जो बड़े बड़े मीलिया थे हमने इसको निडल से रिमूव कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मीलिया भी हैं जो हम निडल से रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज उसकी उसको डी रूफ करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। अभी आप ज़्यादा अंदर इंजर्ड सीरेज को डाल देंगे तो वो माइट भी इंजरी कॉज कर सकता है, इंजरी कॉज करेगा तो माइट भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज स्किन सर्फेस में बैक्टीरिया होते हैं। या देखो ये निकला मीलिया, सीधे सीधा मीलिया पर्ली शेप होता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप नहीं रिमूव होता है, हमें इसको अगर बड़े बड़े हैं तो रिमूव करना पड़ता है। दीज आर प्राइमरी मिलिया, इसको हम प्राइमरी मिलिया कहते हैं, कई बार ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे चले भी जाते हैं डी रूफ होके अपने आप ही स्किन की सुपरफिशियल लेयर में होते हैं तो रिमूव हो जाता है अपने आप ही। इसमें तो ये प्राइमरी मीलिया जो बड़े बड़े थे वो मैंने रिमूव किए हैं इसके थ्रू होल्डरों से। अभी मैं एक मशीन यूज़ करूँगा जिस विच इज़ आर एफ कॉटरी, इट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी, इसकी प्लेट है, होल्ड करिएगा प्लेट को, प्लेट को होल्ड करिएगा और इसमें भी ये ओके तो ये इसमें हैंड पीस का होल्ड। अभी क्या करेंगे हम इससे इसकी लेयर को अपग्रेड कर देंगे, हम डी रूफ करेंगे इस मशीन के थ्रू। आप बहुत ध्यान से प्यार से देखिएगा, ध्यान से एकदम
ये मिलिया है, मैं इसको टच करूँगा। जस्ट मैं इसको दबा के इसकी लेयर को डी रूफ कर दिया है। ये इसका मीलिया निकल गया। ये हम उसमें करते हैं जब बहुत छोटे छोटे मीलिया होते हैं, बहुत ही बारीक मीलिया इसको रिमूव करना है तो हम मशीन के थ्रू रिमूव करते हैं। इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, आप जहाँ टच करेंगे वहाँ स्किन बर्न होगी। ओके, तो आप पता होना चाहिए आपको कहाँ पे करना है और ज़्यादा नहीं करना है, ओवर भी नहीं करना है। ठीक है, तो वी आर जस्ट बर्निंग द स्किन विथ RF कॉटरी, इट्स अ रेडियो फ्रिक्वेंसी मोनोपोलर कॉटरी यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, और कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए भी यूज़ की जाती है कॉटरी। ओके, सो बहुत स्लाइटली आपको टच करना है स्किन को और ये निकल जाएगा। ये 4-5 दिन में स्कैब बनेगा और पूरा रिमूव हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू छूटेगा नहीं, कोई भी निशान नहीं छूटेगा। जब हम कोमिडोंस रिमूव करते हैं तो हमें डी रूफिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसमें ओपन रहता है उसका माउथ, बट हमें इसमें ओपन करना पड़ता है। ऑलवेज क्रॉस चेक विद स्ट्रेचिंग द स्किन, एक बार स्ट्रेच करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं छूट तो नहीं गया है। लाइक दिस, बहुत बारीक बारीक भी इनको है कोमिडोन, छोटे छोटे बच्चे कोमिडोन्स के और मीलिया के बच्चे हैं सब इनको, तो इनको दोनों चीज़ें कोमिडोन्स और मीलिया जो मैं दोनों रिमूव कर रहा हूँ। ओके, होल्ड इट, सो नाउ द साइड इज कंप्लीटेड। आप ये देखिए मैंने इसको दबा के अंदर से पूरा निकाल दिया और इधर भी इसको जस्ट व्हाट वी हैव टू स्क्वीज वेरी जेंटली माइल्डली। ओके, तो ये साइड कंप्लीट कर चुके हैं। ये थोड़ी रेडनेस रहेगी, थोड़ा इरोजन और रिदमा है बिकॉज अभी मैंने प्रोसीड किया है, तो ये साइड सेम मैं यहाँ के जो यहाँ पे जो प्रीलॉक्स लगाया है मैंने उसको रिमूव कर दूंगा और फिर हम इसको क्लीन करेंगे विथ बीटाडीन टू डिसइंफेक्ट द एरिया। आप देखो यहाँ पे कितने सारे इनको यहाँ पे भी मीलिया हैं इस साइड, बीटाडीन में जाओ दो। तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन के लिए जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ प्रिवेंशन कैसे करें, जस्ट प्रॉपर स्क्रबिंग करते रहें, हफ्ते में 2-3 बार आप स्क्रब करेंगे तो वहाँ पे ये जो मीलिया है ये इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जो जो क्रिएटिन लेयर है वो स्किन में नहीं जा पाएगी। ओके, तो खोल कैसे रखे हो निडल है? ओके, तो जो बड़ा बड़ा ये मीलिया है मैं आपको वापस निडल से करके दिखा रहा हूँ। वी कैन डू दिस थिंग विथ RF ऑल्सो बट बिकॉज घर पे आप लोगों को मशीन नहीं मिलेगी, बहुत प्यार से दिखाना जूम करके एकदम क्लियर दिखे। ये गए सुपरफिशियल लेयर में और ऐसा मैंने गया अंदर और ये देखो यू हैव टू वेरी सुपरफिशियल जस्ट कट किया और आप देखना कितने अच्छे से पॉपअप हो गया आएगा। ये मैं इसको दबाऊँगा यहाँ से दिखाना इनको और ये पॉपअप होके ये बाहर आ गया।
ये जो मीलिया है इनका प्यारा सा ये बाहर आ गया। ओके सेम यहाँ पे भी इनको मीलिया हो रहा है। अगेन थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज ये आई के पास के एरिया होता है। वी हैव टू डू इट वेरी जेंटली। ओके मैं इनको दबाऊंगा ये पॉप अप होके बाहर आ जाएंगे। देखो ये आया, ये इनका प्यारा सा मीलिया बाहर आ गया, ये पॉप अप होके बाहर आ गया। ये ऑटोमेटिक अपने आप बाहर, बहुत बहुत ही रेयर चांस होता है कि अपने आप रिमूव हो जाए, बट ये इसको रिमूव करना ही पड़ता है जब आ जाते हैं। तो फिर मैंने इनके तीन ही मीलिया ये निकाल दिए। ये इनके छोटे छोटे मोती हैं जो बड़ी बना रही थी, अगर ब्लैक एरिया में ब्लैक में दिखाओ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखेगा, जूम आउट करो और थोड़ा जूम आप पास करो। ये इनके मीलिया है। ओके बाकी जो है बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं उसको मशीन के थ्रू रिमूव करूँगा ताकि वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ओके सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सिंपली टच इट। इसको मैं थोड़ा एंगल चेंज कर दूंगा। टच डी रूफिंग। बहुत बारीक बारीक इनको डी रूफिंग। ओके तो मैंने एक साथ बहुत सारे डी रूफ कर दिए और मैं इसको फट से निकालता जाऊंगा। ये निकला, टर्न टर्न, ये निकला। ओके उनके मैक्सिमम हमने निकाल दी जो निकल सकते थे, बाकी बहुत ही बारीक हैं तो उसको अपन ज़्यादा नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही बारीक हैं अभी, और हमने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर दिया इनका। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने उसको मीलिया को रिमूव किया, और आप जो डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर्स जो देख रहे होंगे, या ऐसे भी बहुत बड़ा इशू बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसको बहुत ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। और घर में भी अगर कोई बहुत बहादुर लड़का लड़की हो या कोई ऐसा हो कि दमदार मैं खुद का ही रिमूव कर लूंगा, तो खुद का रिमूव कर लेना अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो, क्योंकि मेरे पास जनरली मेरे सब्सक्राइबर बहुत दमदार होते हैं और बहुत बहुत सब्सक्राइबर मेरे बहुत बोलते हैं कि भाई प्लीज़ सर ऐसा वीडियो बनाए जो ज़्यादा खर्चा ना हो, तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो वैसे बहुत छोटा सा है जो मैंने आपको बताया टॉपिक, आप बहुत ईजिली कर सकते हो, बट मैं सलाह नहीं दूंगा करने की बिकॉज अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आप इसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो सजेशन ये रहेगा कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास, किसी प्रॉपर डॉक्टर जिसको ये सब चीज़ें करनी आती है, उनके पास जाके इसको रिमूव कराएं, और एल्स मेरे पास आ जाओ खर्चा करो। कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और
कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मेरी कोई भी फोटो या वीडियो पे लाके कमेंट कर देना, मेरे को फट से दिख जाएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बस बहुत सारा बता दिया है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर मार दो और एक बेल आइकन उसको क्लिक कर देना, ताकि उसको दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरा अपडेट हो आपको फट से पहुँचाए।